all one very important question from chapter circle. तो circle chapter में बहुत important सा question है. ये question NCERT से लिया गया है और CBSE board के paper में 2014 और 19 में पूछा भी गया है. ठीक है, तो चलिए इस question को समझ लेते हैं. क्या बता रहा है इसमें? Two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point E. Clear है? ये है आपका external point. यहाँ से circle पे दो tangents TP and TQ draw किया गया है. P and Q point of contact इनको भी join कर दिया गया. Prove क्या करना है? PTQ that means ये angle X और twice of angle OPQ. OPQ आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है? Angle Y है. इसको angle Y assume कर लिया गया. इसमें angle X assume कर लिया गया. अब हम लोग को इन एंगल एक्स और वाई के बीच में रिलेशन ये फाइंड आउट करना है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसानी से आप कर लेंगे. देखो तो सबसे पहले ये तो क्लियर है कि फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट जो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं वो लेंथ में इक्वल होंगे. दैट मींस ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा और इसके जो ये दोनों एंगल हैं टी पी क्यू और टी क्यू पी ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे. क्लियर है ना? चलिए यही शुरू करते हैं. तो सबसे पहले लिखेंगे कि TP is equal to TQ. क्यों है TP is equal to TQ? Because of tangents from an external point. ठीक है, external point से tangent हम लोग जो draw करेंगे वो equal होगा. Clear? अच्छा, जब ये TP is equal to TQ है, that means ये जो angle होंगे कौन से TPQ और TQP ये भी इक्वल होंगे. चलिए यहां लिख देते हैं. therefore angle TPQ is equal to angle हो जाएगा TQP. आप यहां पे क्लास 9 में जो प्रॉपर्टी ट्रायंगल की पढ़ी थी आप भी यूज कर सकते हो कि एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल. या आप लिख सकते हो कि TPQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. दोनों में से कुछ भी किया जा सकता है. तो चलिए प्रॉपर्टी लिख दे रहे हैं. Angles opposite to equal sides are equal. ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा कैसे इक्वल हुआ. ठीक, अब इतना क्लियर हो गया कि हम लोग ये दोनों एंगल TPQ और TQP को इक्वल लिख सकते हैं. ठीक है ना? अब आते हैं कि OP जो है वो TP पे क्या है? परपेंडिकुलर है. तो दैट मींस इस एंगल का और इस एंगल का सम 90 डिग्री होता है. ठीक है, एंगल वाई और ये एंगल कि OPT ये पूरा तो 90 है ना. तो ये एंगल Y और ये एंगल जो आपने TPQ लिया इन दोनों का सम 90 आएगा. तो यहां से ये भी मतलब बोल सकते हैं कि ये जो एंगल होगा अंदर वाला कौन सा TPQ ये एंगल 90 माइनस Y हो जाएगा. भाई ये होल एंगल 90 है तो अंदर वाले एंगल को हम लिख सकते हैं 90 माइनस Y. ठीक है, चलिए यहां लिखेंगे कि OP इज परपेंडिकुलर टू TP. ठीक, देयरफॉर एंगल OPT देख सकते हो OPT is equal to 90 डिग्री हो रहा है. ठीक है ना, OPT आपको 90 डिग्री मिल गया. ये होल एंगल 90 डिग्री है. अच्छा, यहां से हम उसको OPT को लिख सकते हैं एंगल Y प्लस एंगल TPQ. ठीक है, और इस एंगल को आप लिख सकते हो एंगल Y डिग्री प्लस एंगल TPQ is equal to 90 डिग्री. और यहां से देखो TPQ की वैल्यू अगर हम निकाल लें एंगल TPQ तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री माइनस y. ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि TPQ आपने मालूम कर लिया. दैट मींस ये एंगल आपने मालूम कर लिया और TPQ किसके इक्वल है? TPQ आपका इक्वल है TQP के. दैट मींस ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हैं. तो जो एंगल ये आएगा TPQ 90 माइनस y डिग्री अगर ये है तो ये भी 90 माइनस y डिग्री हो जाएगा. क्लियर है? कि हम लोगों ने देखो यहां पे दिखा दिया दोनों एंगल इक्वल हैं. तो ये एंगल हो गया 90 माइनस y और ये एंगल भी हो गया 90 माइनस y. अब आप समझ पा रहे होंगे कि अगला स्टेप हम लोग का क्या होगा x और y का रिलेशन फाइंड करने के लिए. इस ट्रायंगल TPQ को ले लेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, जो प्रूफ करना है वो मिल जाएगा. ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए. वीडियो को पॉज करिएगा, ये पूरा नोट कर लीजिए. इसके आगे हम लोग सीधे इस ट्रायंगल में चलेंगे TPQ में, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे और आप देखोगे कि वो फाइनल आउट फाइनली जो आपको मालूम करना है वो मिल जाएगा. ठीक है, रख कर दिए जाए. ओके, चलिए इसको हम लोग अब रख कर लेते हैं. इसकी जरूरत खत्म हो गई है. अब हम लोग जो है फाइनल रिजल्ट की तरफ
बढ़ने वाले हैं, इसके लिए बस एक स्टेप और करना है। वो स्टेप क्या है कि हम लोग इस ट्रायंगल में आ जाएंगे, ट्रायंगल में, और यहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल TPQ, तो x डिग्री, देखो ये एंगल लिया, ये एंगल दोनों सेम है, 90 डिग्री माइनस y प्लस 90 डिग्री माइनस y, ये देखो एंगल P लिखा, एंगल Q भी लिखा, एंगल T भी लिखा, देख सकते हो x डिग्री 90 माइनस y, 90 माइनस y फॉर दिस एंड दिस इक्वल टू 180 डिग्री, ये दोनों इक्वल है, आप पहले ही प्रूव कर चुके हो। अच्छा यहां से देखो ये 90 90 180 हुआ, ये कैंसिल हो गया, तो बचेगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया 2y हो गया, क्लियर। अब देखो जो x है वो एंगल क्या है, PPQ है, यहां से आपने लिख दिया एंगल PPQ, और इक्वल टू में जो y है, y एंगल आपने किसके लिए लिया था, OPQ के लिए, तो twice of एंगल OPQ, ठीक। और ये देख सकते हो आप यहां से इसको हम लोगों ने प्रूव कर लिया, हेंस प्रूव। इतने आसान तरीके से आपने इस क्वेश्चन को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, 2014-19 में सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है, इसको आपने कंप्लीट कर लिया।